आपको बताते हैं चौरई विधानसभा के बारे में। मात्र 6 दिन बचे हैं चुनाव के लिए। यहाँ पर चुनावी प्रचार जोरों से चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुले मन से कहा कि मेरी 11 महीने की सरकार रही है, जिसमें मैंने पहली किस्त में 27 लाख का कर्जा माफ किया था और इस बार सरकार बनेगी तो बाकी का भी माफ हो जाएगा। आगे कमलनाथ ने कहा कि 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट बिजली हाफ होंगी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव किसी पार्टी का नहीं है, ये चुनाव तो चौरई, छिंदवाड़ा और पूरी मध्य प्रदेश विधानसभा के भविष्य का है। चौरई विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार सुजीत सिंह चौधरी ने बताया है कि चौरई विधानसभा और साथ ही पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। लगातार चौरई से कांग्रेस के उम्मीदवार सुजीत सिंह चौधरी डोर टू डोर जाकर जनता से मिल रहे हैं और अपने भविष्य को देखते हुए वोट करने को कह रहे हैं। इधर सांसद नकुलनाथ की धर्मपत्नी प्रियानाथ ने भी कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी लोग लाभान्वित होंगे। जैसा कि आप जानते हैं 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। छिंदवाड़ा जिले की जनता ने तो खैर मन बना लिया है कि हम पूरी तरह कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं और मध्य प्रदेश की जनता में भी आप जहाँ भी पूछेंगे तो सबका यही मत बन रहा है कि आगामी जैसे चुनाव होंगे तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज माननीय कमलनाथ जी चौरई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कलकोटी में यहाँ इसी सिलसिले में यहाँ उपस्थित हुए थे। उन्होंने चौरई विधानसभा क्षेत्र की जनता द्वारा जब से अपील किया है कि उन्हें पूरे मध्य प्रदेश में जाना है, अब आप लोग सब एक मत होकर के चुनाव में लग जाएं और इस चुनाव में जो आप निर्णय लेंगे वो निर्णय केवल चौरई विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने इसके लिए नहीं लेंगे, बल्कि ये जो निर्णय लेंगे आप मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लेंगे। और उन्होंने जनता से यही अपील किया है कि आप अपना भविष्य देख करके कि किस प्रकार से जब मुख्यमंत्री बनेंगे माननीय कमलनाथ जी हमारे जिले का और हमारे चौरई विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य और अन्य चीज़ों का जो अभी काम और भी रुके हुए हैं होने के हैं उन सबके लिए मुख्यमंत्री बनाना। इन बेसन न्यूज के लिए चौरई से राजेश उइके की रिपोर्ट।